जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी फिल्म आ रही है सरकार राज, जिसका शूट यहाँ पे चल रहा है, आप बेसिकली हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से आप हैं, भोजपुरी फिल्मों में कैसे क्या पदार्पण हुआ? भोजपुरी मूवी ऐसा नहीं है कि पिक्चर तो सभी अच्छी होती है, सभी मैंने मराठी मूवी भी बनाई है, रिलीज करी है, हिंदी पिक्चरों से मैं काफ़ी हूँ, भोजपुरी से अभी जुड़ा हूँ। जैसे कि हमारे बिजनेस पार्टनर प्रदीप भैया, वो भोजपुरी पिक्चर बना चुके हैं, रिलीज भी करते हैं, और अभी हाल ही में हमने जो भोजपुरी रिलीज, जो पवन सिंह जी है उनकी गदर रिलीज करी है, वो भी सुपर डीपर हिट हुई है। रानी चटर्जी की इच्छाधारी है, वो अभी जस्ट सिनेमा से उतरी है, वो भी अच्छी मूवी गई है, वो अभी भी चल रही है। और ये जो आज का शूट है सरकार राज, इसकी भी शूटिंग करीब करीब हो चुकी है, केवल ये जो गाने का पोर्शन है वही बाकी है, और इसके अंदर भी वापस पवन सिंह जी और रानी चटर्जी दोनों मेरे हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में 5 साल बाद काम कर रहे हैं इस गाने में। तो ये भी पिक्चर जो दीपावली पर रिलीज हो रही है सरकार राज, मेरे को लगता है ये सुपर डुपर हिट होगी, और दर्शक सभी फिल्मों के होते हैं, जैसे साउथ इंडस्ट्री है, हम देखते हैं साउथ इंडस्ट्री, लेकिन उसके भी फिल्म बेस बहुत बड़ा है, इसे भोजपुरी का भी दर्शक लोग बहुत बड़े हैं, इसलिए इसमें भोजपुरी पिक्चरों में हमने सोचा है। तो ये सरकार राज भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके अलावा आने वाले टाइम में दिलवाले और ट्रक ड्राइवर 2, वो दोनों पिक्चर भी इंडिया ई कॉमर्स लिमिटेड प्रेजेंट कर रही है, और उसके अलावा हम 15-20 पिक्चर है जो बॉम्बे सर्किट में हम रिलीज कर रहे हैं, वो सारी भोजपुरी पिक्चर है। सर, जहाँ तक आपकी फिल्म की बात की जाए, जब भी प्रोड्यूसर से हम बात करते हैं, डायरेक्टर से बात करते हैं, फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं कि मेरी फिल्म की ये USP है, आपकी अगर माने तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है सरकार राज? सरकार राज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, इसके अंदर जो एक्शन सीन्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, और जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हमने अभी रिलीज करी इच्छाधारी, वो हिट हुई, उसमें रानी चटर्जी थी और गदर है जिसमें पवन सिंह जी थी, और इसके इस मूवी के अंदर 5 साल बाद वापस दोनों एक ही गाने में जो आज यहाँ शूट हो रहा है काम कर रहे हैं, और इसके अलावा भी भोजपुरी की आने वाले टाइम में जो हीरोइन है वो यहाँ इस मूवी में काम करेगी। तो ये सरकार राज मेरे को लगता है जो दिवाली पर रिलीज होगी उसके अंदर भोजपुरी के अंदर सारी हीरोइनें और पवन सिंह जी सब साथ में काम करेंगे, एक USP बहुत बड़ा होगा, सब्जेक्ट तो इसका अपने आप में अलग है ही। एक बड़ा फर्क जो आपको नज़र आया हो हिंदी मराठी और भोजपुरी फिल्मों में एज ए प्रोड्यूसर? मराठी पिक्चर का एक अलग है, मराठी पिक्चर बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स फ्री रहती है, उसको मल्टीप्लेक्स मिलते हैं, आप उनको कंपलसरी मल्टीप्लेक्स को मराठी मूवी दिखाना, सरकार की पॉलिसी ऐसा है कि उनको दिखाना कंपलसरी है, जो कि भोजपुरी और हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी और भोजपुरी के अंदर अगर आपकी स्टार कास्ट नहीं है तो मल्टीप्लेक्स वाले उसको नहीं लगाते हैं और वो टैक्स फ्री भी नहीं होती है, जबकि मराठी मूवी के अंदर महाराष्ट्र सरकार आपको सब्सिडी भी देती है और उसको बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स फ्री भी करती है। ऐसा कुछ भोजपुरी के लिए भी होना चाहिए? होना ही चाहिए, आजकल आप देखिए उत्तर UP के अंदर हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ, अभी हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, और अभी 4-5 दिन पहले जो हेमंत पांडे जी जो मेरी हिंदी मूवी ट्रैक द मिस्ट्री के मेन लीड कर रहे हैं, उनके लिए भी अभी ये उत्तराखंड में पॉलिसी आई है, और उसके वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप हमको पॉलिसी ला के दीजिए, क्योंकि ये तो एक पहले जो पुराने ज़माने में सोचा करते थे कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसा है वैसा है, लेकिन आज तो सभी सरकार चाहती है कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे यहाँ आवे, क्योंकि उनसे उनका टूरिज्म और दूसरे जो इसके साथ जुड़े रहते हैं काफ़ी सारे उद्योग धंधे वो सभी विकसित होते हैं। बतौर कलाकार पवन सिंह के बारे में आप क्या कहते हैं? आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी फिल्म को, रानी जैसी बड़ी दिग्गज कलाकार हैं, आपने कहा 5 साल बाद वापस आते हैं, इस जोड़ी और स्टारकास्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? भोजपुरी के लिए ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि एक बड़ी स्टारकास्ट है जो 5 साल बाद काम करी है, ये पिक्चर आएगी और जब आप इनका गाना और साथ में देखेंगे, और जैसा कि भोजपुरी पिक्चर में जो रजनीकांत की जो साउथ इंडियन पिक्चर रिलीज होती है और जो माहौल बनता है, मेरे को लगता है ये गाने देखने के बाद दर्शक भी फिल्मों में वैसा ही माहौल बनेगा। सर, आप इंडस्ट्री में आ चुके हैं, आपको भी खबर होगी कि भोजपुरी फिल्मों पर हमेशा ज़्यादा अश्लीलता का आरोप लगता रहता है, इस तरह के भी आरोप लगते रहते हैं, आपको भी आपकी भी फिल्म आएगी, आपसे भी ज़रूर ये सवाल पूछेगी मीडिया, लोग भी पूछेंगे, उसे कैसे काउंटर करेंगे आप? नहीं, बोलने में ऐसा लगता है कि आप अश्लील है, ये है, वो है, ऐसा नहीं है। अश्लीलता आजकल TV सीरियल है उसमें भी है, और सभी हिंदी पिक्चर होती है उसके अंदर भी आप देखिए, जो भी मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी खुद हिंदी पिक्चरें बनाता हूँ, लेकिन जो आप जो भी सीन देखें मॉरिशस के हो या ये हो या पीछे जो बैकग्राउंड चलता है उसमें आप भी देखते हैं कि लड़कियाँ जो सी बीच पर इन पर घूमती है, तो वो अश्लीलता अलग अलग ढंग की, आप किस ढंग से देखते हैं वो बात है। सर, भोजपुरी के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि भोजपुरी फिल्में प्रॉफिट का धंधा नहीं है, बेसिकली प्रोड्यूसर के लिए, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, अगर आपके कंटेंट अच्छा है, स्टार कास्ट अच्छी है, तो धंधा अच्छा ही रहेगा, आप उसको बनाइए, अच्छे दिल से बनाइए, अच्छे ढंग से बनाइए, और उसको आप खाना पूर्ति के हिसाब से नहीं बनाएंगे। बिजनेस कोई भी हो, चाहे आप हिंदी पिक्चर बनाएं,
मराठी बनाई है बनाई, अगर कंटेंट अच्छा है उसमें कलाकार अच्छे हैं और सब्जेक्ट अच्छा है। अभी सेराट जैसी मराठी पिक्चर ने भी 100 करोड़ कमाए हैं, जिसका कोई सोच नहीं सकता था कि न्यू स्टार कास्ट भी इतनी अच्छी पिक्चर चलेगी। लेकिन कंटेंट अच्छा है और अच्छे बनाई है, गाने अच्छे हैं, तो दर्शक जरूर उसको पसंद करेंगे। लेकिन क्या सेराट भोजपुरी में बनाई जा सकती थी? भोजपुरी के सब्जेक्ट अलग होते हैं, उनकी दर्शकों की अलग अलग मांग रहती है। गुजराती पिक्चर की अलग है, राजस्थानी पिक्चरों की अलग है, हर जगह की हर पिक्चर की अलग अलग, कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, उसको दिल से बनाना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं सर फिल्म के लिए। थैंक यू। उनके शूटिंग के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदीप सिंह और उनके साथी, उन्होंने वापस जो शुरुआत की है उसको जल्दी से ही बहुत अच्छा अंजाम दे के दर्शकों तक लेके आएंगे और एक अच्छी फिल्म लोगों को देखने मिलेगी, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है और मैं उनको सरकार राज का दूसरा शेड्यूल स्टार्ट हुआ, बहुत खुशी हुई और हमारे टीम के सभी लोगों को और हमारे स्टार पवन सिंह, मोनालिसा, रानी चटर्जी, सबको बहुत बहुत बधाई। सर, सरकार राज आपकी फिल्म आ रही है, क्या किरदार है आपका, नेगेटिव शेड प्ले कर रहे हैं? जी जी, सबसे पहले तो भाई सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार और हमारे दर्शकों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार प्रणाम। सरकार राज में जहाँ तक मेरे किरदार की बात है तो इसमें मतलब जो सरकार, जैसे कि सुनील थापा जी जो रोल निभा रहे हैं उसमें, उनके अपोजिशन में एक हारा हुआ विधायक है, वो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। पवन सिंह के साथ काम करने का क्या अनुभव रहा साहब? बहुत अच्छा रहा पवन भैया के साथ काम करने का अनुभव, और अभी तक तो पवन जी के साथ ये मेरी 4-5 फिल्में हो चुकी हैं जो कि अब तक मतलब बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी मतलब सपोर्ट रहा पवन भाई का, और इसमें मतलब हम जो है कि इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए मतलब जैसे कि प्रदीप भैया हैं और ये काबरा साहब हैं, इन लोग के मदद से फिल्म बन रही है सरकार राज, जो कि बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी और मतलब इसके गाने हैं, इसकी कास्टिंग भी काफ़ी अच्छी है और पवन जी और मोनालिसा की मतलब जोड़ी है, और इससे भी अट्रैक्टिव भी है कि मतलब इसमें रानी चटर्जी जी आ गई हैं, तो बहुत अच्छा है सरकार राज का। रानी करीब 4-5 साल बाद एक बार फिर पवन सिंह के साथ नजर आने वाली हैं जी, क्या कहते हो आप, इनको इसका फायदा मिलेगा? जरूर मिलेगा, मतलब दर्शक मतलब जो दर्शक वर्ग है वो मतलब काफ़ी दिनों से रानी जी और पवन जी का मतलब फिल्म को लेकर काफ़ी मतलब इंतजार था, जो कि प्रदीप भैया और मतलब काबरा साहब की मदद से मतलब इसमें ये दर्शकों के लिए सपना पूरा हुआ और दर्शक खूब प्यार देंगे, मतलब विश्वास है कि रानी जी और पवन जी के मतलब इस फिल्म में आगमन का मतलब लोग इंतजार भी कर रहे हैं और इसका फायदा जरूर मिलेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार जी, मैं इसमें माँ का रोल कर रही हूँ, मोनालिसा की माँ, और आजकल मैं माँ का रोल कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ का रोल करने में, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, प्यार भी मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, दुआएं मिल रही है, और क्या चाहिए, अच्छी मूवी है, यानी कि पूरे फैमिली के साथ देखने लायक मूवी है। इसमें पवन जी हैं, मोनालिसा है और अरविंद चौबे जी डायरेक्टर हैं और जसवंत जी प्रोड्यूसर है और प्यारो संजय भूषण पटियाला जी है, बहुत क्यूट क्यूट। मैं ज़्यादातर तो मैं पॉजिटिव रोल करती हूँ, यानी कि साफ सुथरी अच्छी माँ जो लोगों को ऐसा अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा तो ज़रूर करूँगी, आर्टिस्ट हूँ। बेटा फिल्म में जैसा अरुणा रानी जी की हैं वैसा रोल मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। नहीं, पवन जी बहुत प्यारा बच्चा है और मेरा बेटा का रोल कर चुका है कर्ज विरासत में, 3-4 पिक्चर उनके साथ हो चुका है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, नेचर भी अच्छा है। थैंक यू।
छोटे हो गए बहुत। ठीक है, रोल शदा रोल सर, पवन सिंह की नई फिल्म आ रही है जिसे हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, नाम है सरकार राज, विश करना चाहोगे आप, शुभकामनाएं देना चाहोगे? बिल्कुल, मेरी पूर्णतया शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो देखिए, हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, धीरेन्द्र राज चतुर्वेदी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, फाइनेंसर हैं, तो वैसे भी हमारी तो इनको जो शुभकामनाएं, इनके लिए आशीर्वाद इस फिल्म के लिए तो और ज़्यादा है। जहाँ पवन जी हैं, रानी मुखर्जी हैं, तो हम समझते हैं कि इतने अच्छे स्टार इस मूवी में हैं, तो ये 100% वैसे भी अपने चरम पर पहुँचेगी। सर सवाल ये है, आप सब लोग सरकार से जुड़े हुए लोग जी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, खासकर भोजपुरी के लिए क्या कुछ और किया जाना चाहिए? देखिए, हमारे प्रदेश में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, और विशेष रूप से जो फिल्में आप लोग यूपी में जाकर के, हम लोग वैसे भी वहाँ आकर्षण ऐसा पैदा कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से बॉम्बे से वहाँ जाएं और अपनी मूवीज़ की वहाँ शूटिंग करें, उसके लिए विशेष पैकेज हम लोग वैसे भी दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि आप कम से कम उस इलाके में भी जाएं और उस इलाके में जा कर के अपनी जो मूवीज़ की शूटिंग वहाँ करें, तो कुछ आप लोगों का भी सब्सिडीज़ भी के रूप में भी आपको लाभ मिलेगा, और दूसरा ये कि वहाँ के लोगों को भी आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र में सर मराठी फिल्में टैक्स फ्री की जाती है, सरकार उसे ऐड करती है, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स में उसे रिलीज करना अनिवार्य है, क्या इस तरह की यूपी व्यवस्था में? नहीं नहीं, हम लोग भी बहुत सारी मूवीज़ को टैक्स फ्री हम लोग भी किए हैं, जो हम लोग देखते हैं कि जो बहुत जनहित से जुड़ी हुई मूवीज़ हैं, जो जनता को ज़्यादा प्रेरित करने वाली है, कोई पर्टिकुलर किसी ऐसे इशूज पे जो बहुत ही लोकप्रिय इशू है, जनप्रिय इशू है, तो उस इशूज से जुड़ी हुई मूवीज़ को हम लोग भी टैक्स फ्री करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके रोल धीरेन्द्र जी, सरकार राज आ रही है, फिल्म की शूट लगभग पूरी है, कुछ काम चीज़ें बाकी हैं, इसमें गाने जैसे होंगे, किस तरह की फिल्म है, आप शब्दों में लगने जाते हैं? फिल्में सभी एक तरह से होती हैं, फिल्म में कहीं तुलना करना ये कैसी है और कैसी है नहीं हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, पवन जी हैं, और पवन जी की पिक्चर अभी गदर सुपरहिट हुई है, तो सारी पिक्चर अच्छी है, उसमें क्या अंतर है? ये सरकार राज है, सरकार से मिलती जुलती घटनाओं के ऊपर आधारित है। पहले पे दहला भी आई थी जी जी, वो फिल्म चली, अच्छा बिजनेस जी, उसके बाद और जी, बहुत उम्मीद है सरकार राज सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पवन जी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, धीरेन्द्र जी पवन सिंह को आप पर्सनली बहुत पसंद करते हैं, करते हैं। पवन मेरा छोटा भाई है। किस तरह की बॉन्डिंग होती है पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों की? किस तरह सब लोगों की चलती है, हम लोगों की चलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ करते हो। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं होती तो कैसे मान लोगे आप लोग? आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हो, सारा सब वही सिस्टम है, जो आपका होता है हमारे साथ वही उनका हमारे साथ। बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा हूँ, शायद आपको पता है, आपने उस संदर्भ में मेरा एक बयान लिया भी था, और बाबरी मस्जिद की शूटिंग अक्टूबर में होने जा रही है, सारी तैयारियाँ हो गई हैं, और बहुत बड़े लेवल पर पिक्चर बनाएंगे, और बाकी सब आप लोग देखेंगे। सरकार राज को मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, मेरा उस पर आशीर्वाद भी है किसी न किसी रूप में, और बाकी तो सब ठीक है।